नर्मदा से इंडिया खबर लाइव संवाददाता गौतम भाई व्यास की एक रिपोर्ट। नर्मदा जिले के अप्तेश्वर गांव के लोगों ने मंदिर की सुरक्षा हेतु दीवार बनाने की मांग। बारिश के मौसम में नर्मदा बांध से ज्यादा पानी छोड़ने के कारण मंदिर की दीवार पानी में बह गई। कलेक्टर तथा गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री के नाम मंदिर की सुरक्षा के लिए लिखित में सौंपा ज्ञापन। समस्या को लेकर इंडिया खबर लाइव टीम ने गांव के लोगों से की बात। प्रस्तुत है गुजरात नर्मदा से इंडिया खबर लाइव संवाददाता गौतम भाई व्यास की एक रिपोर्ट। नर्मदा जिले के गरुड़ेश्वर तहसील के अक्तेश्वर गांव में हम आए हैं। आप यहां पर वीडियो में देख सकते हो, ये अक्तेश्वर गांव के लोग हैं। यहां पर उन लोगों की मांग है कि अक्तेश्वर नर्मदा नदी के कांठे पर अगत्येश्वर महादेव का सालों पुराना मंदिर है, लेकिन पिछली बार यहां पर बारिश के मौसम में सरदार सरोवर नर्मदा डैम में से ज़्यादा पानी छोड़ने के कारण इस मंदिर की जो माटी थी और जो दीवार थी उसका वो पानी में धो गई है। हालांकि ये गांव लोग आज अपनी मांग को लेकर इकट्ठे हुए हैं कि यहां पर ये जो माटी का जो धोवण जो हुआ है, तो गांव लोगों की ये मांग है कि यहाँ पर अगर सरकार श्री द्वारा इस मंदिर की सुरक्षा के लिए कुछ किया जाए, ऐसी उम्मीद लेकर आज ये गांव लोग इकट्ठे हुए हैं। आइए, हमारे साथ यहाँ पर एक गांव के आगेवान उपस्थित है। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि उनकी क्या समस्या है और वह अपनी कौन सी मांग को लेकर आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हाँ, हमारा गाँव अक्तेश्वर, तहसील गरुड़ेश्वर, डिस्ट्रिक्ट नर्मदा। यहाँ पर पिछले साल जो सरदार सरोवर बांध में से 12 लाख क्यूसेक पानी जो निष्कासित किया गया, उसकी वजह से यह जो अगत्येश्वर महादेव का पौराणिक यहाँ पे मंदिर है, उसकी जो ढलान है, जो मिट्टी है, वो पानी की वजह से ढल जाने की वजह से पूरा ढलान ख़त्म हो चुका है। और अगर अगली साल अगर ऐसा पानी आता है तो ये मंदिर के साथ साथ पीछे का जो गाँव है, जो घर है, वो भी ढल जाने की पूरी संभावना है। इसकी वजह से यहाँ के प्रशासन को और मुख्यमंत्री श्री को भी और मुख्य सचिव श्री को भी हमने आवेदन दिया है। तो हमारी मांग यही है कि जो ये अगर वॉल अगर यहाँ पर बनती है तो ये सब बच जाता है, मंदिर और गांव के जो घर है वो भी बचने की संभावना है। अगर यहाँ पर वॉल नहीं बन रही है तो अगले साल पूरा ख़त्म होने की संभावना है। और यहाँ पर जो मंदिर है अगत्येश्वर महादेव का, वहाँ पे अन्न क्षेत्र चल रहा है, जो परकमावासी आते हैं, बहुत सारे परकमावासी को यहाँ पे भोजन दिया जाता है। इसकी वजह से हमारी यह मांग है प्रशासन को से भी और सरकार से भी कि यहाँ पर जल्द से जल्द वॉल का निर्माण किया जाए। और वॉल अगर बन जाती है तो यहाँ जो मंदिर है हमारा अगत्येश्वर महादेव पौराणिक, वो भी बच जाता है और गाँव के जो घर है पीछे मंदिर के पीछे की साइड, वो भी बचने की संभावना है। बस यही मांग है हमारी। दीपक कुमार तड़वी, अक्तेश्वर गांव, पूर्व सरपंच रे। और भी हमारे साथ यहां पर अक्तेश्वर गांव के आगेवान उपस्थित है। हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि उनकी क्या मांग है और इस मंदिर के बारे में उनका क्या कहना है। ये मंदिर नर्मदा जिले के गरुड़ेश्वर तहसील में अक्तेश्वर गाँव में काफी पौराणिक मंदिर है। यहाँ अगत्येश्वर ऋषि ने तपस्या की थी, इनकी वजह से ये मंदिर का नाम भी अगत्येश्वर महादेव पड़ा था। ये काफ़ी अच्छा यहाँ कुदरती सौंदर्य है। पूरा मंदिर जो है उनके पास में जो माटी थी वो नर्मदा डैम के पानी की वजह से बह गई है। अगर यहाँ सुरक्षा दीवार बनती है तो ये हमारा मंदिर बच सकता है। ये हमारे सारे गांव वालों की मांग है और ये गांव का एक आस्था का केंद्र है। यहाँ हर रोज परिक्रमावासी यहाँ आके खाना खाते हैं, रुकते हैं और बहुत पौराणिक मंदिर है। तो ये हमारी मांग है सभी गांव वालों की कि ये मंदिर के लिए एक सुरक्षा दीवार बने और इनकी सुरक्षा हुए। और इनका निवेदन हमने कलेक्टर ऑफिस में मुख्यमंत्री और नर्मदा अग्र सचिव को भी भेजा है। जसवंत भाई तड़वी, अक्तेश्वर गांव।
कहीं। तो ये थे हमारे अक्तेश्वर गांव के लोग, जिन लोगों का कहना है कि यहाँ पर पिछली बार बारिश के मौसम में पानी छोड़ने के कारण ये जो मंदिर की जो माटी थी वो पानी में धुआं हो गई है। हालांकि गांव लोगों को भी मांग है यहाँ पर के सरकार से द्वारा यहाँ पर मंदिर तथा धर्मशाला की सुरक्षा के लिए कुछ खास व्यवस्था की जाए। हालांकि गुजरात सरकार ने इस जगह पर अन्य मंदिरों में भी ऐसी कई सुरक्षाएं दी है और सुविधाएं भी दी है। तो अक्तेश्वर गांव के लोगों के भी यही मांग है कि इस मंदिर के विकास के लिए और धर्मशाला के विकास के लिए सरकार से द्वारा यहाँ पर कुछ प्रयत्न किया जाए। कैमरामैन शंकर तरवी के साथ गौतम व्यास, गुजरात नर्मदा। नर्मदा जिले के अक्तेश्वर गांव के लोगों ने मंदिर की सुरक्षा हेतु दीवार बनाने की मांग। बारिश के मौसम में नर्मदा बांध से ज्यादा पानी छोड़ने के कारण मंदिर की दीवार पानी में बह गई। कलेक्टर तथा गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री के नाम मंदिर की सुरक्षा के लिए लिखित में सौंपा ज्ञापन। समस्या को लेकर इंडिया खबर लाइव टीम ने गांव के लोगों से की बात। प्रस्तुत है गुजरात नर्मदा से इंडिया खबर लाइव संवाददाता गौतम भाई व्यास की एक रिपोर्ट। नर्मदा जिले के गरुड़ेश्वर तहसील के अक्तेश्वर गांव में हम आए हैं। आप यहां पर वीडियो में देख सकते हो, ये अक्तेश्वर गांव के लोग हैं। यहाँ पर उन लोगों की मांग है कि अक्तेश्वर नर्मदा नदी के कांठे पर अगत्येश्वर महादेव का सालों पुराना मंदिर है, लेकिन पिछली बार यहाँ पर बारिश के मौसम में सरदार सरोवर नर्मदा डैम में से ज़्यादा पानी छोड़ने के कारण इस मंदिर की जो माटी थी और जो दीवार थी उसका वो पानी में धो गई है। हालांकि ये गांव लोग आज अपनी मांग को लेकर इकट्ठे हुए हैं कि यहाँ पर ये जो माटी का जो धोवाण जो हुआ है
तो गांव लोगों की ये मांग है कि यहाँ पर अगर सरकार से द्वारा इस मंदिर की सुरक्षा के लिए कुछ किया जाए, ऐसी उम्मीद लेकर आज ये गांव लोग इकट्ठे हुए हैं। आइए, हमारे साथ यहाँ पर एक गांव के आगेवान उपस्थित है, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि उनकी क्या समस्या है और वह अपनी कौन सी मांग को लेकर आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हाँ, हमारा गाँव अक्तेश्वर, तहसील गरुड़ेश्वर, डिस्ट्रिक्ट नर्मदा। यहाँ पर पिछले साल जो सरदार सरोवर बांध में से 12 लाख क्यूसेक पानी जो निष्कासित किया गया, उसकी वजह से यह जो अगस्त्येश्वर महादेव का पौराणिक यहाँ पे मंदिर है, उसकी जो ढलान है, वो जो मिट्टी है, वो पानी की वजह से ढल जाने की वजह से पूरा ढलान ख़त्म हो चुका है। और अगर अगले साल अगर ऐसा पानी आता है तो ये मंदिर के साथ साथ पीछे का जो गाँव है, जो घर है, वो भी ढल जाने की पूरी संभावना है। इसकी वजह से यहाँ के प्रशासन को और मुख्यमंत्री श्री को भी और मुख्य सचिव श्री को भी हमने आवेदन दिया है। तो हमारी मांग यही है कि जो ये अगर वॉल अगर यहाँ पर बनती है तो ये सब बच जाता है, मंदिर और गांव के जो घर है वो भी बचने की संभावना है। अगर यहाँ पर वॉल नहीं बन रही है तो अगले साल पूरा ख़त्म होने की संभावना है। और यहाँ पर जो मंदिर है अगस्त्येश्वर महादेव का, वहाँ पे अन्न क्षेत्र चल रहा है, जो परकमावासी आते हैं, बहुत सारे परकमावासी को यहाँ पे भोजन दिया जाता है। इसकी वजह से हमारी यह मांग है प्रशासन को से भी और सरकार से भी कि यहाँ पर जल्द से जल्द वॉल का निर्माण किया जाए। और वॉल अगर बन जाती है तो यहाँ जो मंदिर है हमारा अगस्त्येश्वर महादेव पौराणिक, वो भी बच जाता है और गाँव के जो घर है पीछे मंदिर के पीछे की साइड, वो भी बचने की संभावना है। बस यही मांग है हमारी, दीपक कुमार तड़वी, अक्तेश्वर गांव, पूर्व सरपंच। और भी हमारे साथ यहां पर अक्तेश्वर गांव के आगेवान उपस्थित है, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि उनकी क्या मांग है और इस मंदिर के बारे में उनका क्या कहना है। ये मंदिर नर्मदा जिले के गड्डेश्वर तहसील में अक्तेश्वर गाँव में काफी पौराणिक मंदिर है। यहाँ अगस्त्य ऋषि ने तपस्या की थी, इनकी वजह से ये मंदिर का नाम भी अगस्त्येश्वर महादेव पड़ा था। ये काफ़ी अच्छा यहाँ कुदरती सौंदर्य है, पूरा मंदिर जो है उनके पास में जो माटी थी वो नर्मदा डैम के पानी की वजह से बह गई है। अगर यहाँ सुरक्षा दीवार बनती है तो ये हमारा मंदिर बच सकता है। ये हमारे सारे गांव वालों की मांग है और ये गाँव का एक आस्था का केंद्र है। यहाँ हर रोज परिक्रमावासी यहाँ आके खाना खाते हैं, रुकते हैं और बहुत पौराणिक मंदिर है। तो ये हमारी मांग है सभी गाँव वालों की कि ये मंदिर के लिए एक सुरक्षा दीवार बने और इनकी सुरक्षा हुए। और इनका निवेदन हमने कलेक्टर ऑफिस में मुख्यमंत्री और नर्मदा अग्र सचिव को भी भेजा है। जसवंत भाई तड़वी, अक्तेश्वर गांव, जय हिंद। तो ये थे हमारे अक्तेश्वर गांव के लोग, जिन लोगों का कहना है कि यहाँ पर पिछली बार बारिश के मौसम में पानी छोड़ने के कारण ये जो मंदिर की जो माटी थी वो पानी में धुआं हो गई है। हालांकि गांव लोगों को भी मांग है यहाँ पर कि सरकार से द्वारा यहाँ पर मंदिर तथा धर्मशाला की सुरक्षा के लिए कुछ खास व्यवस्था की जाए। हालांकि गुजरात सरकार ने इस जगह पर अन्य मंदिरों में भी ऐसी कई सुरक्षाएं दी है और सुविधाएं भी दी है। तो अक्तेश्वर गांव के लोगों के भी यही मांग है कि इस मंदिर के विकास के लिए और धर्मशाला के विकास के लिए सरकार से द्वारा यहां पर कुछ प्रयत्न किया जाए। कैमरामैन शंकर तड़वी के साथ गौतम व्यास, गुजरात नर्मदा।
नर्मदा जिले के अक्तेश्वर गांव के लोगों ने मंदिर की सुरक्षा हेतु दीवाल बनाने की मांग। बारिश के मौसम में नर्मदा बांध से ज्यादा पानी छोड़ने के कारण मंदिर की दीवाल पानी में बह गई। कलेक्टर तथा गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री के नाम मंदिर की सुरक्षा के लिए लिखित में सौंपा ज्ञापन। समस्या को लेकर इंडिया खबर लाइव टीम ने गांव के लोगों से की बात। प्रस्तुत है गुजरात नर्मदा से इंडिया खबर लाइव संवाददाता गौतम भाई व्यास की एक रिपोर्ट। नर्मदा जिले के गरुड़ेश्वर तहसील के अक्तेश्वर गांव में हम आए हैं। आप यहां पर वीडियो में देख सकते हो, ये अक्तेश्वर गांव के लोग हैं। यहां पर उन लोगों की मांग है कि अक्तेश्वर नर्मदा नदी के कांठे पर अगत्येश्वर महादेव का सालों पुराना मंदिर है, लेकिन पिछली बार यहां पर बारिश के मौसम में सरदार सरोवर नर्मदा डैम में से ज़्यादा पानी छोड़ने के कारण इस मंदिर की जो माटी थी और जो दीवार थी उसका वो पानी में धो गई है। हालांकि ये गांव लोग आज अपनी मांग को लेकर इकट्ठे हुए हैं कि यहाँ पर ये जो माटी का जो धोवण जो हुआ है, तो गांव लोगों की ये मांग है कि यहाँ पर अगर सरकार श्री द्वारा इस मंदिर की सुरक्षा के लिए कुछ किया जाए, ऐसी उम्मीद लेकर आज ये गांव लोग इकट्ठे हुए हैं। आइए, हमारे साथ यहाँ पर एक गांव के आगेवान उपस्थित है। हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि उनकी क्या समस्या है और वह अपनी कौन सी मांग को लेकर आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हाँ, हमारा गाँव अक्तेश्वर, तहसील गरुड़ेश्वर, डिस्ट्रिक्ट नर्मदा। यहाँ पर पिछले साल जो सरदार सरोवर बांध में से 12 लाख क्यूसेक पानी जो निष्कासित किया गया, उसकी वजह से यह जो अगत्येश्वर महादेव का पौराणिक यहाँ पे मंदिर है, उसकी जो ढलान है, जो मिट्टी है, वो पानी की वजह से ढल जाने की वजह से पूरा ढलान खत्म हो चुका है। और अगर अगली साल अगर ऐसा पानी आता है तो ये मंदिर के साथ साथ पीछे का जो गाँव है, जो घर है, वो भी ढल जाने की पूरी संभावना है। इसकी वजह से यहाँ के प्रशासन को और मुख्यमंत्री श्री को भी और मुख्य सचिव श्री को भी हमने आवेदन दिया है। तो हमारी मांग यही है कि जो ये अगर वॉल अगर यहाँ पर बनती है तो ये सब बच जाता है, मंदिर और गांव के जो घर है वो भी बचने की संभावना है। अगर यहाँ पर वॉल नहीं बन रही है तो अगले साल पूरा ख़त्म होने की संभावना है। और यहाँ पर जो मंदिर है अगत्येश्वर महादेव का, वहाँ पे अन्न क्षेत्र चल रहा है, जो परकमावासी आते हैं, बहुत सारे परकमावासी को यहाँ पे भोजन दिया जाता है। इसकी वजह से हमारी यह मांग है प्रशासन को से भी और सरकार से भी कि यहाँ पर जल्द से जल्द वॉल का निर्माण किया जाए। और वॉल अगर बन जाती है तो यहाँ जो मंदिर है हमारा अगत्येश्वर महादेव पौराणिक, वो भी बच जाता है और गाँव के जो घर है पीछे मंदिर के पीछे की साइड, वो भी बचने की संभावना है। बस यही मांग है हमारी। दीपक कुमार तड़वी, अक्तेश्वर गांव, पूर्व सरपंच रे। और भी हमारे साथ यहां पर अक्तेश्वर गांव के आगेवान उपस्थित है। हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि उनकी क्या मांग है और इस मंदिर के बारे में उनका क्या कहना है। ये मंदिर नर्मदा जिले के गरुड़ेश्वर तहसील में अक्तेश्वर गाँव में काफी पौराणिक मंदिर है। यहाँ अगत्येश्वर ऋषि ने तपस्या की थी, इनकी वजह से ये मंदिर का नाम भी अगत्येश्वर महादेव पड़ा था। ये काफ़ी अच्छा यहाँ कुदरती सौंदर्य है। पूरा मंदिर जो है उनके पास में जो माटी थी वो नर्मदा डैम के पानी की वजह से बह गई है। अगर यहाँ सुरक्षा दीवार बनती है तो ये हमारा मंदिर बच सकता है। ये हमारे सारे गांव वालों की मांग है और ये गांव का एक आस्था का केंद्र है। यहाँ हर रोज परिक्रमावासी यहाँ आके खाना खाते हैं, रुकते हैं और बहुत पौराणिक मंदिर है। तो ये हमारी मांग है सभी गांव वालों की कि ये मंदिर के लिए एक सुरक्षा दीवार बने और इनकी सुरक्षा हुए। और इनका निवेदन हमने कलेक्टर ऑफिस में मुख्यमंत्री और नर्मदा अग्र सचिव को भी भेजा है। जसवंत भाई तड़वी, अक्तेश्वर गांव, जय हिंद।
तो ये थे हमारे अक्तेश्वर गांव के लोग, जिन लोगों का कहना है कि यहाँ पर पिछली बार बारिश की मौसम में पानी छोड़ने के कारण ये जो मंदिर की जो माटी थी वो पानी में धुआं हो गई है। हालांकि गांव लोगों को भी मांग है यहाँ पर कि सरकार से द्वारा यहाँ पर मंदिर तथा धर्मशाला की सुरक्षा के लिए कुछ खास व्यवस्था की जाए। हालांकि गुजरात सरकार ने इस जगह पर अन्य मंदिरों में भी ऐसी कई सुरक्षाएं दी है और सुविधाएं भी दी है, तो अक्तेश्वर गांव के लोगों के भी यही मांग है कि इस मंदिर के विकास के लिए और धर्मशाला के विकास के लिए सरकार से द्वारा यहां पर कुछ प्रयत्न किया जाए। कैमरामैन शंकर तरवी के साथ गौतम व्यास, गुजरात नर्मदा। नर्मदा जिले के अक्तेश्वर गांव के लोगों ने मंदिर की सुरक्षा हेतु दीवाल बनाने की मांग। बारिश के मौसम में नर्मदा बांध से ज्यादा पानी छोड़ने के कारण मंदिर की दीवाल पानी में बह गई। कलेक्टर तथा गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री के नाम मंदिर की सुरक्षा के लिए लिखित में सौंपा ज्ञापन। समस्या को लेकर इंडिया खबर लाइव टीम ने गांव के लोगों से की बात। प्रस्तुत है गुजरात नर्मदा से इंडिया खबर लाइव संवाददाता गौतम भाई व्यास की एक रिपोर्ट। नर्मदा जिले के गरुड़ेश्वर तहसील के अक्तेश्वर गांव में हम आए हैं। आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हो, ये अक्तेश्वर गांव के लोग हैं। यहाँ पर उन लोगों की मांग है कि अक्तेश्वर नर्मदा नदी के कांठे पर अगत्येश्वर महादेव का सालों पुराना मंदिर है, लेकिन पिछली बार यहाँ पर बारिश की मौसम में सरदार सरोवर नर्मदा डैम में से ज़्यादा पानी छोड़ने के कारण इस मंदिर की जो माटी थी और जो दीवाल थी उसका वो पानी में धो गई है। हालांकि ये गांव लोग आज अपनी मांग को लेकर इकट्ठे हुए हैं कि यहां पर ये जो माटी का जो धोवण जो हुआ है
तो गांव लोगों की ये मांग है कि यहां पर अगर सरकार श्री द्वारा इस मंदिर की सुरक्षा के लिए कुछ किया जाए, ऐसी उम्मीद लेकर आज ये गांव लोग इकट्ठे हुए हैं। आइए, हमारे साथ यहां पर एक गांव के आगेवान उपस्थित है, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि उनकी क्या समस्या है और वह अपनी कौन सी मांग को लेकर आज यहां पर इकट्ठे हुए हैं। हाँ, हमारा गाँव अक्तेश्वर, तहसील गरुड़ेश्वर, डिस्ट्रिक्ट नर्मदा। यहाँ पर पिछले साल जो सरदार सरोवर बांध में से 12 लाख क्यूसेक पानी जो निष्कासित किया गया, उसकी वजह से यह जो अगस्त्येश्वर महादेव का पौराणिक यहाँ पे मंदिर है, उसकी जो ढलान है, जो मिट्टी है, वो पानी की वजह से ढल जाने की वजह से पूरा ढलान खत्म हो चुका है। और अगर अगले साल अगर ऐसा पानी आता है तो ये मंदिर के साथ साथ पीछे का जो गाँव है, जो घर है, वो भी ढल जाने की पूरी संभावना है। इसकी वजह से यहाँ के प्रशासन को और मुख्यमंत्री श्री को भी और मुख्य सचिव श्री को भी हमने आवेदन दिया है। तो हमारी मांग यही है कि जो ये अगर वॉल अगर यहाँ पर बनती है तो ये सब बच जाता है, मंदिर और गांव के जो घर है वो भी बचने की संभावना है। अगर यहाँ पर वॉल नहीं बन रही है तो अगले साल पूरा ख़त्म होने की संभावना है। और यहाँ पर जो मंदिर है अगस्त्येश्वर महादेव का, वहाँ पे अन्न क्षेत्र चल रहा है, जो परिक्रमावासी आते हैं, बहुत सारे परिक्रमावासी को यहाँ पे भोजन दिया जाता है। इसकी वजह से हमारी यह मांग है प्रशासन को से भी और सरकार से भी कि यहाँ पर जल्द से जल्द वॉल का निर्माण किया जाए। और वॉल अगर बन जाती है तो यहाँ जो मंदिर है हमारा अगस्त्येश्वर महादेव पौराणिक, वो भी बच जाता है और गाँव के जो घर है पीछे मंदिर के पीछे की साइड, वो भी बचने की संभावना है। बस यही मांग है हमारी, दीपक कुमार तड़वी, अक्तेश्वर गांव, पूर्व सरपंच। और भी हमारे साथ यहां पर अक्तेश्वर गांव के आगेवान उपस्थित है, हम उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि उनकी क्या मांग है और इस मंदिर के बारे में उनका क्या कहना है। ये मंदिर नर्मदा जिले के गर्डेश्वर तहसील में अक्तेश्वर गाँव में काफी पौराणिक मंदिर है। यहाँ अगस्त्य ऋषि ने तपस्या की थी, इनकी वजह से ये मंदिर का नाम भी अगस्त्येश्वर महादेव पड़ा था। ये काफ़ी अच्छा यहाँ कुदरती सौंदर्य है, पूरा मंदिर जो है उनके पास में जो माटी थी वो नर्मदा डैम के पानी की वजह से बह गई है। अगर यहाँ सुरक्षा दीवार बनती है तो ये हमारा मंदिर बच सकता है, ये हमारे सारे गांव वालों की मांग है। और ये गाँव का एक आस्था का केंद्र है, यहाँ हर रोज परिक्रमावासी यहाँ आके खाना खाते हैं, रुकते हैं और बहुत पौराणिक मंदिर है। तो ये हमारी मांग है सभी गांव वालों की कि ये मंदिर के लिए एक सुरक्षा दीवार बने और इनकी सुरक्षा हुए। और इनका निवेदन हमने कलेक्टर ऑफिस में मुख्यमंत्री और नर्मदा अग्र सचिव को भी भेजा है। जसवंत भाई तड़वी, अक्तेश्वर गांव, जय हिंद। तो ये थे हमारे अक्तेश्वर गांव के लोग, जिन लोगों का कहना है कि यहाँ पर पिछली बार बारिश के मौसम में पानी छोड़ने के कारण ये जो मंदिर की जो माटी थी वो पानी में धुआं हो गई है। हालांकि गांव लोगों को भी मांग है यहाँ पर कि सरकार से द्वारा यहाँ पर मंदिर तथा धर्मशाला की सुरक्षा के लिए कुछ खास व्यवस्था की जाए। हालांकि गुजरात सरकार ने इस जगह पर अन्य मंदिरों में भी ऐसी कई सुरक्षाएं दी है और सुविधाएं भी दी है। तो अक्तेश्वर गांव के लोगों के भी यही मांग है कि इस मंदिर के विकास के लिए और धर्मशाला के विकास के लिए सरकार से द्वारा यहां पर कुछ प्रयत्न किया जाए। कैमरामैन शंकर तड़वी के साथ गौतम व्यास, गुजरात नर्मदा।